दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 6 महीने की जांच और कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद सिसोदिया के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इससे पहले सिसोदिया को अक्टूबर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो आइए जानते हैं कि सीबीआई के रडार पर आखिर सिसोदिया आए कैसे। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति 2021-22 में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया था। 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 दूसरे सदस्यों के आवास पर छापा मारा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई और ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। एक डिजिटल डिवाइस की जांच के दौरान एजेंसी को एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को अलग सिस्टम में ट्रेस किया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ के दौरान एजेंसी को सिसोदिया के दफ्तर के कंप्यूटर का सुराग मिला। इसके बाद 14 जनवरी को सीबीआई ने सिसोदिया के दफ्तर के कंप्यूटर को सीज कर लिया। इसमें ज्यादातर फाइलों को डिलीट किया गया था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से इन फाइलों को रिट्रीव कर लिया। फोरेंसिक जांच से पता चला कि ये फाइल एक्सटर्नली ओरिजिनेट की गई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने 1996 के डेनिक्स अधिकारी को समन भेजा। ये अधिकारी सिसोदिया का सेक्रेटरी था। इस अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें बुलाया था। यहाँ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट की एक कॉपी दी गई। इस ड्राफ्ट कॉपी से 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जोड़ा गया, लेकिन इसके कोई रिकॉर्ड चर्चा में शामिल नहीं है कि कैसे 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज को जोड़ा गया। सीबीआई ने फरवरी के पहले हफ्ते में CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अधिकारी के बयान दर्ज कराए और उसे गवाह बनाया। सिसोदिया के ऑफिस से जब्त कंप्यूटर और उनके सचिव के बयान की मदद से सीबीआई को सिसोदिया तक पहुंचने में मदद मिली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जब इन सब को लेकर सिसोदिया से सवाल किए तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कई सबूत रखे। इसमें कुछ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस थे। इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे सके। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने का भी आरोपी पाया है। इसमें उनकी मिलीभगत सामने आई है। तो वहीं अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई को दिए अपने बयान में उसने कहा था कि एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने आबकारी नीति रखने से पहले कुछ निर्देश भी दिए गए थे। ये बात भी सामने आई कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा नहीं थे। इस पर सिसोदिया ये नहीं बता पाए कि उन प्रावधानों को कैसे शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, इस बारे में आबकारी विभाग में हुई चर्चा या फाइलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। तो ऐसे ही ज्यादातर सवालों के जवाब में सिसोदिया ने कहा कि मुझे नहीं पता, और इसी बिना पर फिलहाल सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया की मिलीभगत को सीबीआई कोर्ट में प्रूफ कर पाती है या मनीष सिसोदिया इससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।